नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। बर्फ कई तरह के दर्द में आराम देती है। अधिकतर हम सिर, जोड़ों, चोट के दर्द से परेशान रहते हैं। नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धति में इस तरह के दर्द का इलाज आइस थेरेपी से किया जाता है। दरअसल बर्फ होती तो ठंडी है, पर इसकी तासीर गर्म होती है। अपनी इस खूबी के चलते यह कई दर्द और बीमारियों में आराम पहुँचाती है। आइस थेरेपी में बर्फ के टुकड़ों को मोटे कपड़े तौलिए में डालकर पोटली या जिप लॉक बैग में रक्त प्रभावित जगह की सिकाई की जाती है। आइए जानते हैं आइस थेरेपी के फायदे के बारे में। सूजन और दर्द में आराम। चोट लगने पर खून का बहाव बंद करने के लिए अगर बर्फ लगाई जाए तो तुरंत आराम मिलेगा। बर्फ रखने से वहां की नसें ठंडी पड़ जाती है, जिससे खून का बहाव बंद हो जाता है। बर्फ लगाने से चोट वाली जगह सुन्न पड़ जाती है, जिससे दर्द भी कम हो जाता है। जोड़ों के दर्द में राहत। जोड़ों के दर्द की दिक्कत आजकल हर उम्र में आम हो गई है। आइस थेरेपी के लिए इसमें सिकाई वाली दो हॉट वाटर बॉटल लेकर एक में गर्म और दूसरे में बर्फ का पानी डालकर एक बार 3-4 मिनट फिर ठंडी बोतल से कुछ देर सिकाई करने पर आराम मिलता है। बॉडी टेम्परेचर कम करने में सहायक। तेज बुखार होने पर माथे पर पानी की पट्टी की जगह आइस थेरेपी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों, नाभि के नीचे, माथे, हथेली और तलवों की सिकाई की जाती है। बर्फ में शरीर के टॉक्सिन को सोखने की क्षमता होती है, जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है। सिरदर्द अनिद्रा के इलाज में फायदेमंद। सिरदर्द होने या नींद न आने की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कोल्ड एंड हॉट फुट बाथ फायदेमंद साबित होता है। महावारी के दर्द में राहत। पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं को पेट में बहुत दर्द होता है, ऐसे में पेन किलर खाने की जगह आइस बैग से सिकाई करने पर आराम मिलता है। फोड़े फुंसियों से छुटकारा। शरीर पर होने वाले फोड़े पर कोल्ड हॉट सिकाई, यानी कि पहले बर्फीले फिर बर्फीले पानी से सिकाई करने पर वह आसानी से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।